तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब सुनो। जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ गए? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं तो वो केंद्रीय मंत्री को अहमदाबाद में भी जाकर दो मीटिंग करनी चाहिए थी, जहाँ मृत्यु दर देश का सबसे ज्यादा है। अब जो कह रही थी कि केवल केंद्र सरकार ही बचा रही है, मैं उस विषय पे आपको कह रहा था कि वो आपकी धारणा गलत है। गोदी मीडिया के पत्रकार अक्सर डिबेट्स में सरकार के मंत्रियों को विपक्ष के तीखे सवालों से बचाने में लगे रहते हैं, जिसके कारण से उन्हें कई विपक्षी नेताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक्या न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन के साथ हुआ। यूपी के एक मुद्दे पर अमीश ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से बात की और इल्जाम लगाते दिखे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अमीश को डांट लगा दी। अपने सवालों में अमीश बीजेपी के नेता का सवाल भी पूछने लगे तो आजाद ने अमीश को क्या कहा, आप ये डिबेट खुद ही देखिए। के लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार बन के उनके बैठे हुए, ये तो सच है बिल्कुल। वो बैठे हुए हैं, दिखाइए कौन लोग हैं, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेजी नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब तो देंगे ना। हाँ दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। लेकिन भीम आर्मी तो वही उछल कूद करती है जहाँ पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हो ना? जवाब दे। बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पहले जवाब सुनो। त्रिवेदी है सुधांशु जी, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ गए? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं। मीडिया एंकर पर विपक्ष का गुस्सा कोई नया नहीं है, सरकार की चाटुकारिता करते देख विपक्ष को नेता अक्सर गुस्से में आ ही जाते हैं, क्योंकि जब वे जवाब देने लगते हैं तब एंकर बीच में बार बार टोकते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वे हर बात में केंद्र सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा एक वाक्या आज तक की पत्रकार और आम आदमी पार्टी के नेता के बीच देखने को मिला। पत्रकार ने दिल्ली में कोरोना की रोकथाम पर केंद्र सरकार के दखल के बाद हालात सुधरने को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद आप नेता ने इस बात पर एतराज जताया और इस पर करारा जवाब भी दिया। दो बार केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर हालात बेहतरी की दिशा में आगे बढ़े। फेल हो गई दिल्ली सरकार क्या? और जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आज सबको साथ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली की जनता, सबको। और यदि कोई व्यक्ति ये कहे या ये धारणा बनाए कि केवल एक केंद्रीय मंत्री के मैदान में आने के बाद और केवल दो मीटिंग करने के बाद पूरे राज्य भर में जो कोरोना का आउटब्रेक था वो ठीक हो गया और कोरोना नहीं फैला, ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। अगर ऐसी बात होती तो वो केंद्रीय मंत्री को अहमदाबाद में भी जाकर दो मीटिंग करनी चाहिए थी, जहां मृत्यु दर देश का सबसे ज्यादा है, हर 100 लोगों में 4 लोगों की मौत हो रही है। ये चिंता का विषय है, हम में से सब लोगों ने अपने किसी ना किसी को खोया है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है राघव जी। हाँ नहीं, ये सवाल आपका जायज है। आप जो कह रही थी कि केवल केंद्र सरकार ही बचा रही है, मैं उस विषय पे आपको कह रहा था कि वो आपकी धारणा गलत है। मीडिया एंकर अक्सर सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हैं और तारीफ भी करते हैं, पर सरकार की नाकामियों पर चर्चा नहीं करते, और अगर कोई विपक्षी नेता कर भी लेता है तो उसे डांट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।